सही ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम खत्म कर चुके थे। अच्छा एक और रह गया था, एक नोट कर लेंगे जल्दी से, सेलेनियम डाइऑक्साइड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, लेकिन रेयरली पूछते हैं, एडवांस में और नीट में पूछ सकते हैं, बाकी लीस्ट इंपॉर्टेंट है अदरवाइज। SeO2, सेलेनियम डाइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड जो कि सेलेनियम को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो ब्लू फ्लेम में बर्न करता है, सेलेनियम प्लस O2 ये ब्लू फ्लेम देगा, बर्न जब करता है ना ब्लू फ्लेम देगा ये, SC+O2 सेलेनियम डाइऑक्साइड। इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, सही ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर तुम स्ट्रक्चर चेक करोगे इसका, स्ट्रक्चर SC होना तो ये चाहिए, SO2 स्ट्रक्चर ये होना चाहिए इसका, ये ज्यादातर पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस तरीके से, ये ऐसे डबल बॉन्ड O लगा करके, ये इस तरीके से। इसको सेलेनियम ऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा, सही ना, ये पॉलीमरिक फॉर्म में इस तरह से एग्जिस्ट करता है, और डबल बॉन्ड ओ होने की वजह से इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीडाइज, ऐसे इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन ले गया तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, इलेक्ट्रोफिलिक, क्लियर, इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट SeO2, सही ना, SeO2 ये क्या कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर, इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस चार्ज आने की वजह से। तो इसके अंदर जो इसके फंक्शंस हैं, फंक्शंस नोट कर लेंगे इसका, जैसे मेन जो हम करेंगे इसका करेंगे, इसका मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ, फर्स्ट फंक्शन इसका, मेन फंक्शन इसका ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन और एक्टिव मिथाइल ग्रुप, ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा मिथाइल एंड अल्फा मिथाइलिन ग्रुप, अल्फा मिथाइल एंड अल्फा मिथाइलिन ग्रुप, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इसके, एग्जांपल नोट कर लेंगे, पहला फंक्शन इसका, चलो एक बार फंक्शन नोट कर लेंगे जल्दी से क्या क्या है। दूसरा ये काम करेगा, दूसरा काम करता है जैसे एलाइलिक, एलाइलिक के ऑक्सीडेशन का भी, एलाइलिक ऑक्सीडेशन। तीसरा काम करेगा ये, तीसरा काम करेगा एलाइलिक हाइड्रोक्सीलेशन भी करेगा, एलाइलिक हाइड्रोक्सीलेशन, क्लियर, एलाइलिक हाइड्रोक्सीलेशन करेगा ये, और बहुत रेयर केसेस में ये काम करेगा कैटलिस्ट का, सही ना, कैटलिस्ट का काम करेगा एज कैटलिस्ट, और कई बार डिहाइड्रोजिनेट भी करेगा, डिहाइड्रोजिनेट यानी H2 को बाहर भी निकालेगा। मेन हमारा ये है, सही ना, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा मिथाइल और एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सीलेशन, या फिर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा मिथाइल एंड अल्फा मिथाइलिन ग्रुप, अल्फा मिथाइल एंड अल्फा मिथाइलिन ग्रुप। तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, यहाँ पे पहला ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा मिथाइल एंड अल्फा मिथाइलिन ग्रुप है, दूसरा एलाइलिक ऑक्सीडेशन, फिर एलाइलिक हाइड्रोक्सीलेशन, कैटलिस्ट का काम करेगा कई रिएक्शंस में, और डिहाइड्रोजिनेशन का नोट करेंगे इसमें। जैसे मैं पहला पार्ट ले रहा हूँ इसका, मान लो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन जो है इसका, फर्स्ट पार्ट अल्फा मिथाइल का एंड अल्फा मिथाइलिन का, इन दोनों का ऑक्सीडेशन, इन दोनों क्या होगा, ऑक्सीडेशन कैसे होगा, और ध्यान रखना अल्फा मिथाइल इज ऑक्सीडाइज मोर रेडिली, अल्फा मिथाइल इज ऑक्सीडाइज मोर रेडिली। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अगर मान लो एग्जांपल लिया से CH3CHO, तो इसमें ज्यादातर एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप के साथ ही आएगा, तो ये अल्फा मिथाइल ग्रुप आ गया, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा मिथाइल ग्रुप, अल्फा मिथाइल ग्रुप, तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, CHO, तो यानी आंसर आ जाएगा ग्लाइक्सोल, अगर SeO2 डाल दिया कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड के प्रेजेंस में, कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड, जैसे थोड़ा बहुत इसमें एसिड डाल दिया CH3COH, बहुत कम एसिड डाल दिया, मेन रीजन हमारा SeO2 है, तो आंसर आ जाएगा ये CH3 जो है ये भी CHO में चला जाएगा और आंसर आ जाएगा ग्लाइक्सोल। सही ना, आंसर क्या आ जाएगा, ग्लाइक्सोल।
सही ना, आंसर क्या आ जाएगा, ग्लाइकोजन। तो ये काम है इसका, अल्फा मिथाइल, अल्फा मिथाइलिन ग्रुप का ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोजन आंसर आ जाएगा। जब दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, अगर से एसीटोन और एसी ओ टू डाल दिया इसके अंदर प्लस कैटेलिटिक अमाउंट में एसिडिक एसिड, तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, दोनों साइड सी एच हो जाएगा। एक साइड ही होगा ओनली, हाँ एक साइड। तो ये आंसर आ जाएगा टू ऑक्सो प्रोपेनल मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल लिया, अगर एक्सेस में डाल दे तो हो जाएगा, हाँ तब हो सकता है, तब हो सकता है। सी एच थ्री, दूसरा एग्जांपल लिया सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ, अब क्या होगा इसमें, अब इसमें अल्फा मिथाइल नहीं है, अल्फा मिथाइलिन ग्रुप है, अल्फा मिथाइलिन है, अल्फा मिथाइलिन लिखा नहीं है यहाँ पे मैंने, तो अभी अल्फा मिथाइलिन ग्रुप ऑक्सीडाइज होके टू ऑक्सो प्रोपेनल दे देगा, टू ऑक्सो प्रोपेनल, सही ना। इसका थोड़ा सा डिफिकल्टी से होता है, लेकिन ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये भी लेगा टू ऑक्सो प्रोपेनल। दोनों ये आइसोमर्स से, ध्यान देना इधर, ये दोनों क्या थे, आइसोमर्स, ये दोनों आइसोमर्स थे, इसलिए जनरली आइसोमर्स क्या होगा, सेम प्रोडक्ट देंगे, आइसोमर्स दे विल गिव द सेम प्रोडक्ट, दे रहे ना, टू ऑक्सो प्रोपेनल यहाँ पे भी है और टू ऑक्सो प्रोपेनल यहाँ पे भी है। कोई भी एग्जांपल ले लो उसमें, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने से ले लेते हैं एसिटोफिनोन C6H5COCH3, इसमें डाल दिया मैंने SiO2 कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड के प्रेजेंस में, कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, जो अल्फा मिथाइलिन है, मिथाइल ग्रुप है, अल्फा मिथाइल ग्रुप है, वो CHO बना देगा, मतलब कुछ फिनाइल ग्लाइकोजल की फॉर्म आ जाएगी, फिनाइल ग्लाइकोजल, क्लियर, क्या मिल जाएगा, फिनाइल ग्लाइकोजल, क्या मिल जाएगा इसमें, फिनाइल ग्लाइकोजल। नेक्स्ट, और इसी का मैंने आइसोमर ले लिया अगर CH2CHO और इसमें SiO2 डाल दिया, तो भी सेम चीज आ रही है क्या, लगा रहा, देखो फिनाइल एसिटाल्डिहाइड लिया अगर, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, अंश यस सर, अंश अभी ना ये वाला टॉपिक, हाँ ये टॉपिक शायद कम समझ आएगा, ये बोर्ड के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके सर, देखना तो देख ले, बहुत सिंपल सा रूल है, अगर हम सेलेनियम डाइऑक्साइड यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ या कीटोन ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है CHO के अंदर, देखो हो गया ना ऑक्सीडाइज CHO में, CH3 का क्या बन जाएगा, CHO, इसमें भी किसी भी एक CH3 का क्या बन जाएगा, CHO, इसमें अब जैसे इसमें CH3 नहीं है, CH3 दूर है इससे, CH3 से दूर है, तो अल्फा वाला मिथाइलिन ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा और इसका भी सील बॉन्ड ओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ। ऐसे ही इसमें CCH5COCH3 है, C6H5COCH3 है, तो ये वाला CH3 जो है ये ऑक्सीडाइज होकर CHO बना देगा, इसमें CH3 नहीं था तो ये CH2 ऑक्सीडाइज होकर सील बॉन्ड ओ बना देगा, दोनों सेम देंगे, आइसोमर्स गिव द सेम प्रोडक्ट। लास्ट वाले में क्या होगा, लास्ट वाले में CH2 है ना, ये CHO के साथ CH2 हो या CH3 हो तो CH2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अगर CH2 है तो CH2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और दोनों है अगर CH3 CH2 दोनों, तो उस केस में मिथाइल ग्रुप, अल्फा मिथाइल ग्रुप जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, जैसे ये अगर, अब इसमें डाल दिया मैंने SiO2 प्लस कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड, ACOH भी लिखते हैं एसिटिक एसिड को, ACOH एसिटिक एसिड, AC मतलब होता है CH3CO ग्रुप, तो अब इसमें ये भी है अल्फा मिथाइलिन और अल्फा मिथाइल भी है, तो अल्फा मिथाइल को ऑक्सीडाइज कर देना, अल्फा मिथाइल को, सेना अल्फा मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देना, तो इस तरह से मिल जाएगा आंसर, दोनों है तो एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अल्फा मिथाइल, और स्पेशल केसेस में ना ये जैसे एक्टिव मिथाइल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, दोनों साइड फिनाइल लगा दो, दोनों साइड लगा दो फिनाइल, तो इसको बीच वाले, इसको भी एक्टिव मानोगे कि नहीं, ये भी एक्टिव है कि दोनों साइड, जब एच हटेगा तो दोनों साइड बेंजीन से क्या हो जाएगी, रेजोनेंस, तो इसमें भी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बेंजोफिनोन आंसर डायरेक्ट।
बेंजोफिनोन डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर, सही ना, बेंजोफिनोन डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना इसको, सही ना, ये डालेंगे तो सीधा बेंजोफिनोन मिल जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, सेलेनियम डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन इस तरीके से होता है, सेलेनियम डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन इस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट अगर हाइड्रोक्सीलेशन करना है इसका, क्या करना है, हाइड्रोक्सीलेशन, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं नेक्स्ट पेज से, मान लो मैंने यूज किया एलाइलिक और बेंजाइलिक ग्रुप अगर है, CH2 बॉन्ड CH CH3, तो अगर एल्कीन है तो उस केस में क्या करोगे तुम, SeO2 डालने पर इसका ऑक्सीडेशन कर देना, बस एलाइल अल्कोहल डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, सही ना, एलाइल अल्कोहल। इन सबके मैकेनिज्म होते हैं थर्मोडायनेमिक्स इसका, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, कोई यूज नहीं है ज्यादा इनको करने का। जैसे अगर मैं अगर एक मैकेनिज्म तुम्हें बताऊं, मान लो ये ले लिया मैंने कंपाउंड R सील बॉन्ड O CH3, मैंने इसमें डाला SeO2, तो क्या बनता है, R सील बॉन्ड O CHO बनता है, ये बनता ना, तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो पाएगा। इसका मैकेनिज्म क्या है, हल्का सा हमने एसिड डाला हुआ, ध्यान देंगे, हल्का सा हमने क्या डाला हुआ है, एसिड, कोई चश्मा है जो मतलब विदाउट नंबर है, कौन सा है, दोबारा बोल, अंश, यस सर, यस सर, क्या पूछ रहा है, कुछ क्या कुछ पूछ रहा है क्या, नो सर, अच्छा म्यूट कर लियो फिर। SeO2 डाला इसके अंदर, सही ना, SeO2 डाला है, कैटालिटिक अमाउंट में क्या डाला हमने, SeO2 डाला, तो सॉरी ये तो बन ही गया SeO2 डालने पर, और साथ में क्या डाला, कैटालिटिक अमाउंट में एसिड, थोड़ा सा एसिड डाला है, तो एसिड हल्के से एसिडिक मीडियम में ये टॉटोमराइज होता है इस तरीके से, ये टोटोमराइज हो गया। अब साथ में क्या आया इसके, SeO2 जो कि काम करेगा एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का, इस तरीके से ये काम करेगा ऐसे, मान लिया ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, अब इधर क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इनोलिक फॉर्म बनी है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में क्या हुआ है, ये इनोलिक में कन्वर्ट हुआ है, इनोल फॉर्म मैंने बताई हुई है तुम्हें कैसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये आ गया नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा मैकेनिज्म, आर सी डबल बॉन्ड ओ पे प्लस एच सी एच टू एस ई डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव, ये आ गया, ये आ जाएगा ऐसे, और उसके बाद क्या होगा, ये ओ पे प्लस है इधर, ओ पे यहाँ प्लस है, इसलिए ये एच प्लस निकल जाएगा यहाँ से, ये एच प्लस निकल के कहाँ चला जाएगा, इस O- के पास, ये दिखा रहा हूं मैं डायरेक्ट, अब ये हटा यहां से H+ और ये आ गया यहां पे O- के पास H आ गया, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब भी ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, अब ये अपना H लूज करेगा यहां से, देखो कैसे लूज करेगा, ये H हटाया मैंने यहां से एक, ये H और ये H, ये इलेक्ट्रॉन दिया इसने, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गए और ये O- का जुड़ जाएगा, और इस तरीके से आंसर आएगा, आर सील बॉन्ड ओ सी एच डबल बॉन्ड एस ई ओ पे आ गया एच ओ पे एच, ये आ गया। बट उसके बाद वाटर के थ्रू हल्का सा इसे क्या कर लेंगे, क्लीवेज कर देंगे, दो ओ आएंगे इसके पास, ओ एच ओ एच दो आएंगे, और वाटर बाहर आर सील बॉन्ड ओ सी एच ओ मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म होता है, ये जरूरत नहीं है करने की, मैंने तुम्हें जो तरीका बताया तुम वो कर लेना, कि इस तरह से डायरेक्ट शॉर्टकट से आंसर आ जाएगा, बस तुम्हें यही करना है। और अगर एलाइलिक ग्रुप है तो क्या करना है तुम्हें, एलाइल वाले कार्बन को OH बना देना, एलाइल वाले कार्बन को क्या बना देना, OH बना देना, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, एलाइल वाले कार्बन को OH। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, दूसरा एग्जांपल जैसे अगर मैंने ले लिया सपोज इसके अंदर ये ले लिया, इसमें क्या आएगा आंसर, SeO2 डालने पर क्या आएगा आंसर, सर दोनों डबल बॉन्ड हटके दोनों साइड COH, ये सिंगल, ये सिलेक्टिव करता है हमेशा, ध्यान रखना चीज का, तो एक ही साइड करेंगे हमेशा, एक ही साइड, दोनों जो एलाइलिक पोजीशन है उधर OH आ जाएगा, जो दोनों एलाइलिक पोजीशन उधर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा बस,
एक साइड हो जाएगा। अब इसमें इस टाइप के ऑक्सीडेशन को ना, हाँ नहीं, एक किसी भी एक साइड, किसी भी एक साइड अगर ये है तो क्या होगा, इसमें क्या होगा सर, एक साइड डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ ये एक साइड डबल बॉन्ड हुआ जाएगा, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अच्छा अब इसके अंदर ना, अब जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जो बच्चे जेई के लिए प्रिपरेशन करेंगे बिल्कुल टॉप लेवल पे या फिर नीट वाले बच्चे, तो इसके लिए ना जो ऑक्सीडेशन होता है एल्कीन्स के लिए, ध्यान रखना अगर तुम्हारे पास दो जगह होती, मान लो एक ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती एक कम सब्स्टिट्यूट होती, जैसे मैं इधर एक एमी लगा दूं, तो उस केस में जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाले एलाइलिक साइट है वो ऑक्सीडाइज होगी। ऑक्सीडेशन ऑफ, पहला पॉइंट नोट कर लेना एल्कीन्स के अंदर, ऑक्सीडेशन ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड एलाइलिक कार्बन, ऑक्सीडेशन ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड एलाइलिक कार्बन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एलाइलिक कार्बन विद ट्रांस सिलेक्टिविटी, ट्रांस या ई भी बोलते हैं इसको, ट्रांस और ई सिलेक्टिविटी, ये लाइन याद रखना बस, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए और ट्रांस वाला ऑक्सीडाइज होता है, ये बात ध्यान रखनी है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाला और ट्रांस पोजिशन पर वाला मिथाइल ग्रुप वो जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, सही ना, ये ध्यान रखना इसके अंदर। और इसमें ऑर्डर जो होता है वो सबसे पहले अगर ऑक्सीडाइज होगा तो CH2 होता है, CH2 के बाद मिथाइल ग्रुप होगा, पहले एक्टिव मिथाइलिन, फिर एक्टिव मिथाइल, फिर कहीं जाकर के ये वाला ग्रुप CH, फिर ये ऑक्सीडाइज होगा, फिर ये होगा, ये ऑक्सीडेशन का ऑर्डर है, ये रख देना ऑक्सीडेशन ऑर्डर, ये ऑक्सीडेशन का ऑर्डर होता है इसके साथ, सही ना, ऑक्सीडेशन का ऑर्डर होगा ये, तो ये इसका भी मैकेनिज्म बहुत अच्छा खासा है। और इसमें अगर तुम बात करो तो गेट और जैम के जो पेपर होते हैं ना, तो उसमें आते हैं इसके क्वेश्चन ज्यादा, तो अभी हमारे लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो मैंने बताया इसके बेसिस पे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे, तो क्वेश्चन करना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड मतलब रेयरली पूछा हुआ क्वेश्चन है इसका, तो चांसेस कम है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन करने हैं जिसको तो उसको आना चाहिए। तो अब इसका एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, देखो, और तीसरा पॉइंट एक और नोट कर लेना, तीसरा पॉइंट है ऑक्सीडेशन जो ज्यादा, मान लो एक तो मैंने बता दिया ई सिलेक्टिविटी, ऑक्सीडेशन रिंग का प्रेफर करेंगे, ऑक्सीडेशन इनसाइड रिंग इज प्रेफर्ड, एग्जांपल दूंगा उससे और क्लियर होगा। अब इसकी एग्जांपल नोट करेंगे, ऑक्सीडेशन इनसाइड रिंग इज प्रेफर्ड, तो अब देखेंगे, जैसे ये लिया मैंने पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लिया सपोज, चलो इसको ले लेते हैं, सोच के आंसर निकालना, गलत मत करना, जो पॉइंट्स बोले हैं उसको देख करके करते हुए। मैंने लिया जैसे मान लो ऊपर इथाइल ग्रुप, अब मैंने डाल दिया इसके अंदर SeO2, बताओ क्या करोगे तुम, SeO2 सर डबल बॉन्ड के बाद में जो है ना रिंग में, वहां पे OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड के एक मिनट, मान लो इसमें एलाइलिक पोजीशन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कौन कौन सी है, एलाइलिक पोजीशन एक मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये आया CH2 CH3 आया, और एलाइलिक पोजीशन ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, तीन एलाइलिक पोजीशन है डबल बॉन्ड के अराउंड, तीन एलाइलिक पोजीशन है, कहाँ पे आएगा OH सर, 3 पे, थ्री पे, किसने बोला ये सर, कुणाल, बहुत अच्छा कुणाल, कुणाल कौन सा, 12th वाला है कि क्या कहते हैं, पास आउट, पास आउट, अच्छा कुछ नहीं, दूसरा कुणाल है नहीं अभी, कुणाल यस सर, अच्छा सही, देखो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अब ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइड देखो, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइड वो कौन सी है, ज्यादा सब्स्टिट्यूट साइड दिख रहा है हमें कि ये वाली है ऊपर की साइड, इधर तो ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ ऊपर डबल बॉन्ड के अराउंड, ये भी सब्स्टिट्यूशन, ये भी सब्स्टिट्यूशन, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूट साइड कौन सी है, ऊपर की तरफ,
ये समझ आ गई बात कि नहीं है? ये सबने पढ़ा हुआ हाइपरकंजुगेशन, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सी है? ऊपर वाली। इसलिए अब ऊपर वाली साइड है तो ऊपर वाली साइड ऑक्सीडाइज होगी ओएच के अंदर। अब कौन सी होगी, रिंग वाली कि ओपन वाली? रिंग वाली, यही तो बताया मैंने, ऑक्सीडेशन इनसाइड रिंग इज प्रेफर्ड। तो आंसर ये आएगा जो कुणाल ने आंसर दिया, परफेक्ट आंसर बिल्कुल। ऊपर C2H5 रहेगा, C2H5, और नीचे क्या हो जाएगा, OH। नहीं समझ आया ये? 11 साल बच्चों को समझ आया कुछ कि नहीं है? सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, ये वाला। जिसको ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइड पता है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइड जैसे मैंने बोला ये। चलो और एक दो क्वेश्चन और करो फिर अपने आप समझ आएगा ये, पीछे भी बताया ना मैंने। एक मिनट जो एक तो हाँ पीछे ये क्वेश्चन, अच्छा एक ना पीछे ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया तुम्हें, ये इसका भी ध्यान रखना। इसका ना कई बार ये आंसर तो आ गया तुम्हारा, कई बार आंसर ये दे देते हैं तो बताना किसी को दिक्कत तो नहीं है इससे, अगर आंसर ये दे दे तुम्हें, डबल बॉन्ड ओ ओ एच, किसी को कोई प्रॉब्लम इससे? ये आंसर हो सकता है कि नहीं? ये और ये दोनों ऑप्शन में अगर आ जाते हैं तो दोनों मार्क करना, जबकि मैंने ये इनोलिक फॉर्म बनाई है और इनोलिक फॉर्म तो कम स्टेबल होती है, दिस फॉर्म शुड बी लेस स्टेबल, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ऊपर से, चेक करो, ओ एच और ये डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं है? इसलिए ये भी आंसर हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ सकते हैं, दोनों की पॉसिबिलिटीज है, इन दोनों की पॉसिबिलिटी है, दोनों आंसर मार्क करना अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो। अदरवाइज मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि ये भी हो सकता है और ये भी, मेन आंसर तुम्हारा ये निकलना है, और वो इनॉल बन जाएगा जब इसका इनॉल बन जाएगा तो ये बन जाएगा। समझ गए कि नहीं है? यस सर। और इसके थ्रू जो हाँ इसके थ्रू जो ऑक्सीडेशन होता है, इसका नाम दिया हुआ स्पेशली, इसका नाम है रिले ऑक्सीडेशन, रिले ऑक्सीडेशन। तो अब नेक्स्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं उससे और तुम्हें क्लियर होगा, नेक्स्ट ट्राई करना है, इसमें बताना है तुम्हें क्या होगा, एच चलो इनको करो जल्दी से।
कर लिया क्या? यस सर, सबने कर लिया है। चलो एक बार आंसर देखेंगे इसके। देखो आंसर इसका फर्स्ट का, फर्स्ट बहुत ध्यान से देखना आंसर। अब मुकुल ध्यान दियो, देखो किसके सही है। अब सेकंड वाले में कौन सी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड के राउंड, नेचुरल सी बात है इधर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइड है क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इनमें से किसी एक मिथाइल ग्रुप जो है, कोई एक मिथाइल ग्रुप जो है CH2OH में जाएगा, इनमें से कोई एक मिथाइल ग्रुप जाएगा CH2OH में। अब वो कौन सा जाएगा, बहुत सिंपल तरीका, कौन सा वाला जाएगा, नीचे वाला जो ई साइड है, जो ट्रांस में है, इसके ट्रांस में, मिथाइल के ट्रांस में कौन सा है, ये वाला मिथाइल, तो ये CH2OH बन जाएगा। तो आंसर आ गया इसका CH2OH। समझ आया कि नहीं? ये सर ट्रांस प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता हमें, मतलब सिस प्रोडक्ट चाहिए हमें। मैंने कहा ट्रांस वाला मिथाइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज होगा ट्रांस वाला। ओके नेक्स्ट वाले में करेंगे, अब थर्ड वाले में एक बार और ट्राई करना, तो एक और ट्राई कर लो। चलो जल्दी से एक बार ट्राई कर लो। इसमें नीचे नीचे की साइड OH लग जाएगा। मुकुल ने बोला हाँ। अच्छा अभी देखते हैं, बताता हूँ अभी, कर लो ट्राई एक बार। देखो इधर थर्ड थर्ड वाला पार्ट चेक करेंगे, ज्यादा सब्स्टिट्यूट साइड कौन सी है, इधर ऊपर है और ऑक्सीडाइज क्या होगा, मिथाइल की रिंग, अभी कराया पीछे ऊपर, ये रिंग को करना था, रिंग OH लगेगा, OH ये आंसर आएगा। 11th में से किसी का सही हुआ था, 11th बच्चों में से? यस सर, यस सर। विधि मुकुल, मुकुल समझ आ गया तेरे को? नेक्स्ट देखो SeO2 इसमें डाला अगर, तो ये तो दिख ही रहा है एक ही मिथाइल ग्रुप है, यही ऑक्सीडाइज होगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। ये कैम्फर कंपाउंड है, कैम्फर कपूर जिसे कहते हैं ना वो है ये। अच्छा नेक्स्ट, अब ऊपर वाले कंपाउंड में SeO2 डाला तो सर ट्रांस वाला, हाँ जो ट्रांस में है, ज्यादा सब्स्टिट्यूट साइड ये वाली है, ये और ये। अब इसका ट्रांस का, इस ग्रुप के ट्रांस में क्या है वो, ये, तो ये वाला ऑक्सीडाइज होगा, OH बन जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, OH। नहीं समझ आया? आ गया सर। हाँ एक जैसे ये वाला ले लिया तो इसमें डाल दिया SeO2, तो क्या होगा, अब जल्दी से आंसर दे दो इसका, ये खत्म हो गया SeO2। देखो उधर इसमें, इसके ट्रांस में चेक कर लो, इसके ट्रांस में क्या है, ये कि पहले ज्यादा सब्स्टिट्यूट साइड ये वाली थी, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूट साइड है, तो इन इन दोनों इथाइल में से एक ऑक्सीडाइज होगा जो ट्रांस में है। ट्रांस में कौन सा था, नीचे वाला, यानी ये ऑक्सीडाइज होगी, वो जमा देगा। नहीं समझ आया अभी? ये तो सेम था सर ऊपर जैसे ही। हाँ
तरीका अलग देने का, ऊपर इथाइल था ना, इधर मिथाइल दे दिया, इधर मिथाइल ग्रुप है। चलो एक दो रिएक्शन की स्पेशल रिएक्शन और नोट कर लो, ये खत्म हो गया सेलेनियम डाइऑक्साइड। एक दो स्पेशल रिएक्शन जल्दी से नोट कर लेंगे इसकी, जैसे PHCH2OH है इसमें डाल दिया सेलेनियम डाइऑक्साइड, PHCH2OH है सेलेनियम डाइऑक्साइड डाल दिया और टेम्परेचर रखा हाई अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर पे होगी रिएक्शन ये, तो इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकाल के PHCHO बना देगा, जैसे कॉपर 573 का काम करता है PHCHO। और जैसे अगर PHCH3 होता इसमें डालते हैं SiO2 तो क्या करता है, PHCH3 का PHCH2 बना देता है। ये किया इसने डीहाइड्रोजनेशन, ये डीहाइड्रोजनेशन किया यहाँ पे ऊपर, तो ये स्पेशल केसेस में पूछ लिया तो पता लगा, अदरवाइज नहीं पूछेंगे ये चीज। PHCH2OH अगर तो डीहाइड्रोजनेशन सही ना, तो डीहाइड्रोजनेशन इस तरीके से हो जाएगा। और भी केसेस हैं, जैसे अगर ये ले लिया मैंने, अगर एसिड ले लिया तो इसको तो एसिड तो फाइनल ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, तो इसलिए दो लेने पड़ेंगे, दो लेने पड़ेंगे और इधर से H2 CH2 वाला H2 बाहर और आंसर आ जाएगा CH2 CH2 COOH COOH, ये आ जाएगा सक्सीनिक एसिड। इसको फर्दर हीट कर दिया तो क्या मिल जाएगा, बोलो 12th वाले बच्चों को पता होगा, इसको फर्दर हीट कर दिया तो, और ये भी हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, ध्यान रखना चीज का, वाटर इसको फर्क, हाँ वाटर बाहर और एनहाइड्राइड मिल जाएगा, सक्सीनिक एनहाइड्राइड। सही ना, सक्सीनिक एनहाइड्राइड मिल जाएगा, तो ये भी ध्यान रख देना, सक्सीनिक एनहाइड्राइड। एसिड लिया तो दो H2 बाहर इस तरीके से, और क्या मिल जाएगा सक्सीनिक एसिड, और ज्यादा हीट कर दिया तो क्या मिल जाएगा एनहाइड्राइड, टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो एनहाइड्राइड मिल जाएगा। नेक्स्ट इसी का अगर मैंने पार्ट ले लिया, एक और इसी का पार्ट ले लिया, जैसे ये ले लिया अगर मैंने से डाइमिथाइल सक्सीनेट ले लिया अगर, तो इसमें क्या होगा, मतलब इधर से एसिड वाला ग्रुप हटा दिया मैंने, अब कैसे ऑक्सीडेशन करोगे इसका बताओ, क्या बन जाएगा, कैसे करोगे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन कहां से निकल सकता बाहर, चेक करो जल्दी से, सिर्फ यहीं से निकल सकता है हाइड्रोजन बाहर, ये बाहर निकल जाएगा और क्या मिल जाना चाहिए, ये मिलना चाहिए, नहीं समझ रहा, डाइमिथाइल मेलिएट ये मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये कन्वर्ट हो जाता है अपने आप ही, ट्रांसफॉर्म जो कि ज्यादा स्टेबल है, ये है डाइमिथाइल मेलिएट, ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है इसलिए अपने आप ही ये ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे ये नहीं मिलेगा आंसर, आंसर मिलेगा डाइमिथाइल मेलिएट, ये हटा रहा हूं मैं यहां से और COOME ट्रांसपोजिशन लगा देना और ये आंसर हो गया डाइमिथाइल मेलिएट। क्लियर, डाइमिथाइल मेलिएट समझ गए कि नहीं है, तो इस तरह से इनमें रिएक्शन होगी, समझ आ गया कि नहीं, तो हाँ ये स्पेशल केसेस थे कुछ ऑक्सीडेशन के लास्ट में, ये करना एक ना एक स्पेशल केस और है इसका, जैसे ये लिया, हालांकि उसमें चांसेस दो ऑप्शंस के हैं, जैसे ये ले लिया अगर मैंने तो इस केस में किया तो क्या होगा, इस केस में ना SiO2 डालने पर ये वाला H और ये वाला H बाहर निकल के ट्रांसपोजिशन मिल जाएगी, मिथाइल वाला ऑक्सीडाइज नहीं होगा, डबल बॉन्ड लगा देना बस यहाँ पे, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास अभी,
ये आ जाएगा फाइनल आंसर, सही ना? मिथाइल वाला पार्ट ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जो मिथाइल वाला पार्ट है ये इसमें ऑक्सीडाइज नहीं होता कंजुगेशन की वजह से, कंजुगेशन की वजह से मिथाइल वाला पार्ट ऑक्सीडाइज नहीं होगा। समझ आ गया यहां तक? तो ये सेलेनियम डाइऑक्साइड कंप्लीट हो गया, सही ना? क्या सेलेनियम डाइऑक्साइड ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट नोट करेंगे अब, अभी ऑक्सीडाइजेंट्स ना और हैं लेकिन जितना बताया उतना सफिशिएंट है, इतना कर लेना, इतना जरूर कर लेना, सही ना? अब आगे नोट करना है रिड्यूसिंग एजेंट्स।